अब HNO3 की मेटल्स के साथ रिएक्शंस जो होती हैं, उनका बेस अपन ने बना लिया पिछले दो सेक्शंस में। अब हम क्या देखेंगे, इनके एक्चुअल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम मेटल यदि कौन सा लेते हैं, इट इज MgMn। तो क्या बोला था अपन ने, सिर्फ दो मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या करवाते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करवाते हैं, है ना। मेटल नाइट्रेट तो फिक्स्ड प्रोडक्ट, एक आध जगह आएगा एक्सेप्शन, है ना। तो इट इज MgMn, इनकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन पर ना फॉर्मेशन होता है किसका, तो बोलते हैं इट इज मेटल नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। सिर्फ ये दो ही ऐसे हैं जो क्या करवा पाएंगे, हाइड्रोजन लिबरेट करवा पाते हैं। ठीक, फिर कौन सी चीजें, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, लेड, ये कैसे कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या, दैट इज डाइल्यूट HNO3। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ये वाले जो मेटल्स हैं है ना, ये क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से क्या करते हैं ये NO को, मतलब इनकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी कम है, तो HNO3 को कहां तक ही ला पाएंगे, दैट इज अप टू NO, है ना। डाइल्यूट HNO3 में ये क्या कर रहे हैं, तो हमने बोला NO3 नेगेटिव को ये कहां पर कन्वर्ट करवा पा रहे हैं, NO मेटल नाइट्रेट प्लस वाटर फिक्स्ड प्रोडक्ट है, कैसे बना मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर कौन सी चीज है, आयरन और जिंक, कैसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, तो ये क्या करेंगे, डाइल्यूट HNO3 यदि है तो डाइल्यूट HNO3 में क्या करते हैं ये, तो हम बोलेंगे ये NO3 को ना नाइट कहां तक ले आया, दैट इज N2O, मतलब प्लस वन आ गया, है ना। रिडक्शन और ज्यादा हो गया क्योंकि इनके साथ नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाएगा, समझ आ गई बात, क्योंकि HNO3 भी डाइल्यूट था और ये भी कैसे थे, ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, फिर कौन सी चीज है, आयरन, जिंक और टिन, इसमें अब वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया। ठीक है, तो वेरी डाइल्यूट HNO3 में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे मेटल्स भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, HNO3 भी ज्यादा डाइल्यूट, तो नेसेंट हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये रिड्यूस कहाँ तक हो गया, तो हमने बोला दैट इज अप टू अमोनिया, है ना। NH3 तक गया, मतलब +5 से -3 आ गया, है ना, इतना ज्यादा रिडक्शन हो गया। NH3 बेसिक है और HNO3 क्या है, एसिडिक, तो इनकी रिएक्शन से हम अमोनिया नहीं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बताते हैं, रिडक्शन का प्रोडक्ट इज अमोनियम नाइट्रेट, आया समझ में। तो इट इज आयरन, जिंक एंड टिन विद वेरी डाइल्यूट HNO3 क्या बनवा देंगे, अमोनिया, बट फाइनली दिखेगा क्या हमको, एसिड बेस रिएक्शन की वजह से NH4NO3, आगे बात समझ में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि टिन जो होता है वो किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ भी NH4NO3 बना लेता है, ये लिख लेना अलग से, इसमें लिखा हुआ नहीं ना। टिन जो है वेरी डाइल्यूट के साथ तो NH4NO3 बनवाता ही है, वो डाइल्यूट के साथ भी क्या बनवा लेगा, NH4NO3, क्योंकि वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, मर्करी, आयरन, है ना, कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव चाहे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बट HNO3 के साथ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, तो रिड्यूस हो जाएगा कहां तक, अप टू NO2, मेटल नाइट्रेट वाटर तो फिक्स है, है ना। तो कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक, मर्करी इन टिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्रेट वाटर, और साथ में क्या बनता है, इट इज NO2, है ना, रीजन अपन समझ ही चुके हैं। ठीक है, और टिन के लिए लास्ट रिएक्शन कौन सी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम करवाएंगे, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ टिन क्या बनवा लेता है, मेटास्टेनिक एसिड, इसमें चेंज नहीं है, है ना, इसका रिडक्शन तो NO2 तक ही हुआ, बट यहाँ पर मेटल नाइट्रेट के बजाय क्या मिल गया, H2SNO3, which we call what that, metastenic acid, ठीक है, तो tin जो है वो concentrated HNO3 के साथ क्या बनवा रहा है, metastenic acid, reduction product is the same, concentrated HNO3 के साथ क्या बन रहा है, metals के reaction में हमेशा NO2 ही बनता है,